चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए विक्रम लैंडर पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर लैंड होने में अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर आज यानी 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ देशवासी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं देश के कोने कोने में हवन पूजन हो रहा है, मस्जिदों में दुआएं की जा रही हैं। साथ ही ये तस्वीरें देखिए जो जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, वे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। वे जिस तरह बात कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि वे क्षण कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं चंद्रयान 3 को काफ़ी चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा, जैसे उसको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ वो 3 के साथ भी हो। चंद्रयान 3 को अपने जो लैंडर है उसको भी स्ट्रेट रखना पड़ेगा वाइल लैंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर एक हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा खुश है इसके लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जिस दिन 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उसी दिन हमारे अंदर एक्साइटमेंट जाग गई थी, एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर। एंड आज शाम को 6:04 पे वो लैंड करेगा, एंड आई होप कि ये सक्सेसफुल हो। बहुत से चैलेंजेस इसने फेस किए। जब चंद्रयान ने अपने 3 फेजेस कंप्लीट किए थे, तभी सारे इंडियंस प्राउड हो चुके थे कि हाँ ये हो सकता है एंड दिस इज पॉसिबल। तो आज लगता है कि होप फॉर द बेस्ट। ऑफ कोर्स आई होप फॉर द बेस्ट, सीरियसली दिस इज अ बिग अचीवमेंट। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सबने कैलेंडर में अपना यही डेट ऑलरेडी मार्क करके रखा है, बिकॉज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी इंडिया एंड बाकी पूरी कंट्री के लिए। जो बाकी कंट्रीज इतने बड़े बजट में नहीं कर पाया, वो इंडिया ने छोटे से बजट में कर दिया। सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। तो कहीं ना कहीं आप भी आगे सोचा है साइंटिस्ट बनेंगे और इसरो में जाएंगे, ऐसा कुछ? मेरा पर्सनली जो स्टार्ट से है वो इसरो की तरफ ही है। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड भी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है फॉर फर्दर करियर। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के 22 दिन बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।